खौफ। थक गए हैं? हाँ बहुत थक गया। आज ऑफिस में भी बहुत काम था और कुछ ज्यादा ही खा लिया। आप सो जाइए। नींद भी बहुत आ रही है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। सो जाइए। आपकी तबीयत ठीक है ना? शराब, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं, वो बस इन दिनों ऐसे ही बेचैनी हो जाती है ना। आप सो जाइए, मैं ठीक हूँ। आपको देख के नहीं लग रहा है? नहीं नैतिक, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। आप ऐसा कीजिए कि आप भी सो जाइए, नींद आ जाएगी तो सब ठीक लगेगा। आइए। ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या हुआ? वॉमिटिंग सी लग रही है? नहीं, पता नहीं क्या है, पेट में कल रात से बहुत दर्द है। मुझे लगता है एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अच्छा, आपका रूटीन चेकअप तो कल है ना? हाँ, लेकिन बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं नैतिक। ठीक है, तो अभी चलते हैं। आइए। नैतिक, आपकी मीटिंग है, हम शाम को चले जाएंगे। नहीं अक्षरा, आपको दर्द हो रहा है, शाम तक नहीं रुक सकते। मैं मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। हाँ, आपकी रिपोर्ट्स की फाइल कहाँ है? वहाँ ड्रॉअर में होगी। हाँ ये, मैं चाबी ले लेता हूँ। चलिए चलिए चलिए, आइए। गुलाबू जी, भाभी वो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, माँ भाभी में आएंगे तो उन्हें बता दे। ठीक है भाभी। डॉक्टर इसी ओके, सब कुछ ठीक है ना? डोंट वरी सिस्टर, इनका ब्लड प्रेशर ले लेना। ओके डॉक्टर, चलिए। मुझे माँ या वर्षा भाभी में से किसी को तो साथ में लेकर आना चाहिए था।
मिस्टर सिंगानिया, हमें अभी इनका अल्ट्रासाउंड करना होगा। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, डोंट वरी। सिस्टर, जी डॉक्टर, इनकी सोनोग्राफी करनी है इमीडिएटली, इनको अंदर ले जाइए। जी डॉक्टर, आइए। मैं भी आता हूँ। हाँ जी, अगर मैं आपका फोन काट रहा हूं तो कोई मतलब होगा ना, बिजी हूं मैं। हाँ, आप मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो दादा जी या फिर बाबूजी से पूछ लीजिए। ओके, रिलैक्स अक्षरा। अच्छा हुआ आप दिखाने आ गई, घबराइए मत। माँ, अक्षरा को काफी दर्द हो रहा था इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए, और डॉक्टर उनकी सोनोग्राफी कर रही है। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। लेकिन बेटा, इतना सब क्यों? माँ, डॉक्टर ने कहा इसीलिए हम लोग करवा रहे हैं, और वैसे भी अक्षरा की सोनोग्राफी तो होनी ही थी ना, आप इतना टेंशन मत लीजिए प्लीज। लेकिन मुन्ना, बहू को इतना दर्द क्यों उठा बेटा? तू डॉक्टर से पूछना सब कुछ, साफ साफ पूछ क्या हुआ। माँ, मुझे तो खुद कुछ पता नहीं है कि क्या पूछूं क्या नहीं। आप यहाँ पर होती तो शायद आप अच्छे से पूछ लेती, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुन्ना, ना बेटा, तू इतना घबरा मत, ये 9 महीने तक तो डॉक्टरी जांच चलती रहती है, हम लोग तो बस ऐसे ही जल्दी घबरा जाते हैं बेटा। सब कुछ ठीक होगा, ये ऐसा होता रहता है मुन्ना। माँ, डॉक्टर आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, तू जा डॉक्टर से सब कुछ पूछ, और बहू को जल्दी से घर लेकर आ बेटा, राह देख रहे हैं हम। ठीक है। डॉक्टर, सोनोग्राफी हो गई ना? मिस्टर सिंगानिया, आप मेरी कैबिन में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी। सिट। जी डॉक्टर, एवरीथिंग इज ओके? शी इज ऑल राइट, हमने उसे दवाइयां दे दी है। ओके, आपके साथ कोई और भी आया है? शी नहीं, लेकिन क्यों? आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज? मुझे अफसोस है कि बच्चा अब नहीं रहा। शी हैज लॉस्ट द चाइल्ड। आई एम सॉरी। सिस्टर, सब ठीक है ना? सब ठीक है। अक्षरा, आप ठीक है? हाँ,
डॉक्टर ने कुछ कहा? मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। क्या हुआ नैतिक? डॉक्टर भी चुप थी और अब आप भी? कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं। दवाई खा के अब मेरा भी दर्द कम हो गया है। मैं तो डर ही गई थी, ऐसा पेन मुझे कभी हुआ ही नहीं है। पता है डॉक्टर क्या कह रही थी? कह रही थी कि हमने अच्छा किया यहाँ उन्हें दिखाने के लिए आ गए। हाँ, मुझे भी उन्होंने बिल्कुल यही कहा, कहा कि अब हम घर जा सकते हैं। अच्छा। हाँ आइए आराम से। हाँ आराम से। नैतिक, वो जो मॉनिटर है ना, उसमें इतना छोटा सा बेबी दिखता है। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन वर्षा कह रही थी 6 महीने के बाद सब समझ में आ जाएगा। चली, सब ले लिया है ना? हाँ, सब ले लिया। आइए आराम से। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।